पुलिस की सख्ती के बावजूद मुरैना में हर्ष फायरिंग की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिले में पिछले चार दिनों में हर्ष फायरिंग की चार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला मुरैना के गांव दोनारी गांव का है, जहां पर बच्चों के बीच बैठकर एक शख्स फायरिंग कर रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हादसा नहीं हुआ। आए दिन जिले में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। अब आप स्क्रीन पर चार तस्वीरें देख रहे हैं कि जिले में कब कहां हर्ष फायरिंग हुई। 20 अप्रैल को खिड़ोरा में, 21 अप्रैल को मटियापुरा में, 22 अप्रैल को मुरैना शहर के एक मैरिज लॉन में और 23 अप्रैल को दोनारी में हर्ष फायरिंग की गई। जिले में क्यों नहीं रुक रही हर्ष फायरिंग? हर्ष फायरिंग करने वालों को कानून का डर नहीं? लगातार आ रही हर्ष फायरिंग की तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों के मन में कानून का डर नहीं है, क्योंकि फायरिंग पर पुलिस भी ऐसा एक्शन नहीं ले पाई जो फायरिंग करने वालों के लिए सबक बने। कुछ तो ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें शिकायत करने वाले को ही हिरासत में लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला दाऊजी धाम शादी गार्डन से सामने आया, जहां फायरिंग करने वाले ने शिकायत करके लड़के के पिता को थाने में रात भर बंद करा दिया। अब आप ही बताइए, जब ऐसे कार्रवाई होगी तो जिले में हर्ष फायरिंग कैसे रुकेगी? कहीं बच्चों के बीच तो कहीं डांस स्टेज पर, तो कहीं फायरिंग लोगों के सर के ऊपर। हर्ष फायरिंग करने वाले अक्सर नशे में होते हैं। नशे में होने की वजह से वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं और ना ही किसी की बात सुनते हैं। और जब हाथ में हथियार हो तो कानून का डर कैसा? कानून और पुलिस है भी तो उनके पास रसूख और बड़े लोगों से जान पहचान है। उनके दम पर वो अगली सुबह फिर आजाद होंगे, फिर कहीं और हर्ष फायरिंग का जलवा दिखाएंगे और एक बार फिर प्रशासन मुंह ताकता खड़ा रहेगा। एसपी ने की हर्ष फायरिंग रोकने की अपील। कार्रवाई में अब नहीं बरती जाएगी कोई ढील। हर्ष फायरिंग ना करने के लिए लगातार परिजनों के साथ ही प्रशासन भी अपील करता है, लेकिन कठोर कार्रवाई ना होने से आरोपियों पर अपील और मनाही का कोई खास असर नहीं होता। जिले में हर्ष फायरिंग की लगातार आ रही घटनाओं की वजह से पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने हर्ष फायरिंग रोकने की अपील की है। सभी नागरिकों से हमारा निवेदन है कि आदरणीय कलेक्टर महोदय ने धारा 144 के तहत शादी पार्टी विवाह में बंदूक लेकर के जाना और हर्ष फायर करना, इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और ये जो है बहुत ही गलत परंपरा है। हमने जो है सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि कहीं भी यदि हर्ष फायर की घटना सामने आती है या वीडियो सामने आता है तो उसमें जो है विदाउट एनी डिले उसमें FIR की जाए और उसका लाइसेंस निरस्त कराया जाए। सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी समझें। जिले में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत शादी समारोह में बंदूक लेकर जाने और फायरिंग करने पर रोक लगा रखी है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि फायरिंग करने वालों पर इस आदेश का असर कितना होता है। मुरैना से सोम दत्त के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।